For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Bollywood actors ki life mein film aur criticism hand on hand aata hai. Yani ki agar film aa rahi hai to criticism bhi zarur aayega ya phir film aa rahi hai to appreciation bhi zarur aayega. Yani ki it's part and parcel of their career. Aur yahan par main baat kar rahi hu Sara Ali Khan ki. Well, hello guys, welcome to Movies Adda. Main hu Jyoti Nahak. Sara Ali Khan jinhone abhi tak kafi achhi filmein ki hain aur unki kisi film par unhe troll nahi kiya gaya tha. Lekin pehli baar aisa हुआ लव आजकल 2. यस, लव आजकल इम्तियाज अली डायरेक्टेड फिल्म, कार्तिक आर्यन सारा अली खान पॉपुलर कपल सार्थिक, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुपर डुपर फन फिल्म लग रही थी ट्रेलर देखकर. लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद से फिल्म को उतना अच्छा यू नो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना एक्सपेक्टेड था. अब ऐसे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है इसमें सारा अली खान के रोने को, उनकी एक्टिंग को ओवर एक्टिंग बताया जा रहा है. बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं, जिस पर अब सारा अली खान ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी है. सारा ने बहुत बार इस बात को भी कहा कि मुझे ये जो कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग रियली बैड अबाउट दीज कॉमेंट्स, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं मिले. तो जब फर्स्ट टाइम आपको कोई नेगेटिव कॉमेंट्स मिल रहे होते हैं इट इज़ हार्ड टू टेक ऑन, ये सारा ने कहा. साथ ही साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को भी कहा कि जब भी ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ सुनने को मिलता है इट इज़ डिवास्टेटिंग फॉर यू. आप कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा ये हो जाते हो कि यार मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म में, ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स थी मेरे लिए भी, खुद के लिए भी, और रिजल्ट इसका इस तरीके से आ रहा है, तो आपको खुद को भी हर्ट होता है. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जितना अच्छा कर सकती थी मैंने किया, वो स्क्रीन पर कैसा लग रहा है दैट इज नॉट माई चॉइस यू नो. और साथ ही साथ मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी, मैंने अपना बेस्ट दिया भी. उसके साथ साथ सारा ने ये भी कहा कि मेरा काम है डायरेक्टर की बात को सुनकर उनके विजन को इमेजिन करके स्क्रीन पर पोर्ट्रे करना, डायरेक्टर ने जो कहा है वो स्क्रीन पर पोर्ट्रे करना. अब वो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा, इसके लिए मैं मुझे बुरा ज़रूर लग रहा है, बट आई कैन नॉट हेल्प द सिचुएशन. मैं अपनी तरफ से मैंने अपना 100% दिया, और जो कैरेक्टर है उसको जज ना करते हुए, लाइक उन्होंने कहा कि जो जोई का कैरेक्टर है जिसको वो निभा रही है लव आजकल में, जिस जोई के कैरेक्टर की उन्होंने बात की तो वो गालियाँ भी देती है, गुस्सा आने पर फक ऑफ भी बोल देती है, और रोती भी है, गुस्सा भी करती है, चिड़चिड़ भी करती है, उसे प्यार से ज़्यादा उसके करियर पर यू नो फोकस है, करियर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह की तमाम चीज़ें उसने कही. उसके साथ साथ उन्होंने यू नो सारा ने ये भी कहा कि अगर जोई का कैरेक्टर ऐसा है तो मैं एज एन एक्टर मेरा काम है उस कैरेक्टर को बिना जज किए स्क्रीन पर पोर्ट्रे करना. अब उस कैरेक्टर को क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा काम है डायरेक्टर की बात सुनकर कैरेक्टर पोर्ट्रे करना. तो अपनी तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे दिया है. कहीं ना कहीं सारा अली खान ने कहा भी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से यू नो मेरी एक्टिंग को ओवर एक्टिंग कहा जा रहा है, इस तरह की बातें सारा ने कह दी है. लेकिन अब आपका क्या कहना है उस चीज़ पर, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में.